नाउ वी डू अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूले जो अभी हमने पढ़े। तो पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। यू हैव टू प्रूव दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसमें क्या होता था, एक ही फॉर्मूला होता था, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। तो एक्स क्या है 3/5, वाई क्या है 8/17। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज 64/289 माइनस वाई क्या है 8/17 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 9/25। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 289 माइनस 64 इज 225 विच इज 15 स्क्वायर अपॉन 17 माइनस 8/17 इंटू 25 माइनस 9 इज 16, 16 का अंडर रूट इज 4 एंड 25 का 5। देयरफॉर साइन इनवर्स वी हैव 15 थ्री इज 45 अपॉन 85 माइनस 8 फोर द 32 अपॉन 85 विच गिव्स अस साइन इनवर्स 13 अपॉन 85। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू कॉस इनवर्स 84/85 है। ठीक है, तो ये तो हमारा कन्वर्जन का क्वेश्चन हो गया। तो लेट साइन इनवर्स 13/85 इज थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा इज 13/85। तो ट्राइंगल रूल अप्लाई कर लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कैसे आएगा, 85 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, 85 स्क्वायर इज 7225 एंड 13 स्क्वायर इज 169। सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से 9 गया 6, 111 में से 6 गया 5, 17056। और 7056 इज व्हाट, 84 का एक स्क्वायर होना चाहिए, 44 जा 16, 48 जा 32 133 एंड 84 जा 32, 88 जा 64 एंड 6 7, 6, 5, यस 84। तो ये कितना आ गया, 84। तो बेस हमारी कितनी आ गई, 84। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स 84/85। और थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स थी 13/85 विच इज इक्वलेंट टू कॉस इनवर्स 84/85 विच इज इक्वल टू RHS। वी स्टार्टेड आउट विद LHS, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट साइड प्रूफ कर दिया हमने। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वी हैव टू इवेल्युएट कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। नाउ यहाँ पे हमको किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब इसमें हमारे दो केसेस हमने डिस्कस किए थे, केसेस बहुत सारे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रेंज, लेकिन हम लोग ने दो केसेस करे हैं कि साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। द सेकेंड ऑप्शन वॉज पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज पॉजिटिव y is positive and x square plus y square is greater than 1 and pi by 2 if x square plus y square is 1, x is positive and y is positive। तो अब हमारा x क्या है 3/5 और y क्या है 5/13। तो x square plus y square की value क्या होगी, 9/25 plus 25/169। सॉल्व करें, 169 इंटू 9, 169 इंटू 9
1521 plus 25 into 25 is 625 divided by 169 into 25. This is 625. 2146 divided by 169 into 25. 169 into 25. तो देयरफॉर दिस वैल्यू जो आ रही है दिस इज लेस देन 1 और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? फर्स्ट वाला. इसको अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 3 बाय 5 अंडर रूट 1 माइनस 25 बाय 169 प्लस 5 बाय 13 अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 25 विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स साइन इनवर्स 3 बाय 5 into 169 minus 25 is 144, that means 12 by 13 plus 5 by 13 into 25 minus 9 is 16, uska square root 4 ho gaya, 4 by 5. So this on simplification gives sine inverse 36 plus 20 upon 65, which is sine inverse 56 upon 65. But abhi khatam nahi hua, bahar hai cos, so therefore we are left with cos of sin inverse 56 upon 65. तो फिर वही करें, let sin inverse, let's say sin inverse 56 upon 65 is theta, therefore sin theta क्या हो गया? 56 upon 65. triangle rule apply कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारी क्या आ जाएगी? 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स 9 इंटू 121, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 11 विच इज 33. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स 33 बाय 65, which on simplification gives cos of cos inverse 33 by 65. अब 33 by 65 is what? Minus 1 से plus 1 के बीच में, क्योंकि हमको पता है cos of cos inverse x is x provided x lies between minus 1 and plus 1. तो ये 33 by 65 इसके बीच में, therefore output क्या आ जाएगा? 33 upon 65. This is your answer. Now let's take the next example. अब क्या है? First part है cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 3 by 5 equals to tan inverse 27 by 11. हम अब इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं. या तो हम tan inverse को right side ले जाएं, या फिर first method तो ये है कि tan inverse को right side ले जाएं और उसको सिंप्लीफाई कर दें और कॉस इनवर्स में उसकी वैल्यू दिखा दें. सेकंड है कि हम कॉस इनवर्स को टैन में बदल दें और टैन में ही सॉल्व कर दें. तो लेट से हम सेकंड वाला करते हैं. लेट कॉस इनवर्स 4 बाय 5 इज थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई. तो 4 बाय 5 की वैल्यू क्या हो गई? कॉस थीटा. ट्राइंगल रूल अप्लाई कर दें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइट कितनी आ जाएगी? 3. तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? टैन इनवर्स 3 बाय 4. तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे कॉस इनवर्स की जगह? लेट से टैन इनवर्स 3 बाय 4 प्लस टैन इनवर्स 3 बाय 5. नाउ ये फॉर्म कौन सा है? टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई. तो इसमें क्या होता था? दो फॉर्मूले होते थे, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और एक होता था पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. ये कब एप्लीकेबल होता था? जब एक्स वाई वॉज लेस देन वन. और ये कब होता था? वेन एक्स वाई वॉज ग्रेटर देन वन. एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, तो प्रॉपर्टीज ये था ही. तो एक्स क्या है? 3 बाय 4. y क्या है? 3 बाय 5. तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? xy
विच इज 3/4 × 3/5, तो क्या आ जाएगा 9/20 विच इज लेस देन 1, तो यानी कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, फर्स्ट वाला, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 + 3/5 होल डिवाइडेड बाय 1 − 3/4 × 3/5, तो क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 15 + 12 / 20, और ये आ जाएगा 20 − 9 = 11/20, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 27/11 विच इज इक्वल टू वॉट, एक ये राइट हैंड साइड है, वी स्टार्टेड आउट विद लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड क्या है tan इनवर्स 27/11। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज tan ऑफ cos इनवर्स 3/5 + cos इनवर्स 12/13। नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या कौन सा फॉर्म दिख रहा है, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y, और इसका तो एक ही फॉर्मूला था cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 − x² रूट 1 − y² प्रोवाइडेड x एंड y वर बोथ पॉजिटिव। तो x क्या है 3/5 और y क्या है 12/13, तो अप्लाई करें तो क्या आएगा cos इनवर्स 3/5 × 12/13 माइनस रूट 1 − 9/25 × √1 − 144/169, तो क्या हो गया cos इनवर्स 36/65 माइनस 25 − 9 = 16 यानी 4/5, और 169 − 144 = 25 यानी 5/13। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा cos इनवर्स 36 − 20/65 विच इज cos इनवर्स 16/65, बट बाहर क्या है tan है, तो tan ऑफ cos इनवर्स 16/65, तो अंदर वाला जो इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, तो लेट cos इनवर्स 16/65 इज थीटा, तो cos थीटा क्या हो गया, ऑब्वियसली देखिए 16/65 −1 से +1 है तो एक्सेप्टेबल वैल्यू ही है, cos थीटा इज 16/65 अगेन यूजिंग द ट्राइंगल रूल, तो ये थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो हाइट क्या आ जाएगी 65² − 16² दैट विल गिव अस 49 × 81 यानी इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 7 × 9 = 63, तो हाइट आ गई या परपेंडिकुलर आ गया 63, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा की वैल्यू क्या आई tan इनवर्स 63/16, तो जो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स में 16/65 थी वही tan इनवर्स में क्या है tan इनवर्स 63/16, तो देयरफॉर tan ऑफ अब क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 63/16, और tan ऑफ tan इनवर्स क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, tan ऑफ tan इनवर्स x इज x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू हो tan ऑफ tan इनवर्स x x दे देता है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 63/16। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉल्विंग क्वेश्चन है फाइंड x कब जब tan इनवर्स 3 + tan इनवर्स 4 = cos इनवर्स x, तो पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन सेम नहीं है, एक तरफ cos इनवर्स है एक तरफ tan इनवर्स है, तो या तो हम cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलें या tan इनवर्स को पूरा cos इनवर्स में बदलें, तो बेटर कौन सा रहेगा कि पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर लें और फिर उसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो यहां पे हमें दिख रहा है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, अब इसमें दो फॉर्म लेते जब एक्स वाई लेस देन 1 था और जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था, तो x क्या है 3 है और y 4 है, तो x into y क्या हो गया 12 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पे क्या फॉर्मूला था पाई प्लस टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 − x y, और लेस देन 1 पे क्या था टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 − x y, तो हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो क्या आएगा टैन इनवर्स पाई प्लस टैन इनवर्स 3 + 4 अपॉन 1 − 3 × 4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये आ जाएगा पाई प्लस टैन इनवर्स 7 / −11
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अप पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्या होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी पाई माइनस टैन इनवर्स 7/11 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. नाउ इसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज टैन इनवर्स 7/11. नाउ ये अकॉर्डिंग टू वर प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 7/11. नाउ अब बस हमें क्या करना रह गया, टैन इनवर्स को कॉस में बदल लें, तो लेट टैन इनवर्स 7/11 इक्वल्स टू थीटा, थीटा कहाँ होना चाहिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7/11. तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल ये थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज 121 प्लस 49, तो दिस कम्स आउट टू बी 170 अंडर रूट. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या हुई कॉस इनवर्स 11/√170 तो अब इक्वेट कर दें दोनों साइड, तो क्या वैल्यू होगी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11/√170. ऑन इक्वेटिंग द आर्ग्यूमेंट्स माइनस एक्स क्या हो गया 11/√170, तो देयरफॉर एक्स क्या है -11/√170. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू इवैल्यूएट साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5. नाउ प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इनिशियली जो हम लोग ने क्वेश्चन किए उसमें कोई कोफिशियंट नहीं होता था जो अंदर का एंगल है, अब यहाँ पे क्या है हाफ है. अब सेकेंड केस जो देखें उसमें क्या है टू है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हाफ या टू आ रहा है तो उनको कैसे हम लोग डील करते हैं. तो लेट से जैसे पहले करते थे, ये क्या है दिस इज एन एंगल कॉस इनवर्स 4/5 एंगल है और उसका 1/2 मतलब अगर हम इसे थीटा मान लेते तो थीटा बाई टू है, तो हमने क्या किया अंदर का जो पूरा एंगल है उसको कुछ मान लिया कॉस इनवर्स 4/5 को लेट से कोई एंगल होगा. यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि स्ट्रेट अवे स्टूडेंट्स थीटा को जीरो से पाए लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो जीरो से पाए है. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कॉस इनवर्स नहीं दिया है हाफ कॉस इनवर्स दिया है, तो इस हिसाब से पहले हमको क्या करना होगा, ये रॉन्ग अप्रोच है. सबसे पहले कॉस इनवर्स 4/5 को अलोन करें तो क्या होगा टू राइट साइड जाएगा टू थीटा, मतलब कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या है टू थीटा, तो ये आउटपुट मिला है आपको कॉस इनवर्स 4/5 से, तो फिर टू थीटा की वैल्यू जो होगी वो कहाँ होनी चाहिए जीरो से पाए, थीटा की वैल्यू नहीं, क्योंकि थीटा जब हमने लिखा था तो यहाँ हाफ कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाए, हाफ कॉस इनवर्स एक्स की रेंज जीरो से पाए नहीं होती. तो अब टू थीटा जीरो से पाए है तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा जीरो से पाए बाय टू. अब कॉस इनवर्स को राइट साइड लें तो क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा इज 4/5. अब ये हमारे पास एक रिजल्ट आया और चाहिए हमको क्या, क्योंकि हमने हाफ कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा माना, तो बेसिकली हमको किसकी वैल्यू अब चाहिए साइन थीटा की चाहिए, क्योंकि थीटा को हमने क्या मान लिया है हाफ कॉस इनवर्स 4/5, तो बेसिकली अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और वैल्यू हमें किसकी मिल गई है कॉस टू थीटा की. यहाँ देखिए डबल एंगल है तो डबल एंगल फॉर्मूला लगाएं कॉस टू थीटा का तो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा को 1-2 साइन स्क्वायर थीटा इज 4/5. इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है कि थीटा कहां पर है जीरो से पाई बाय टू है, जीरो से पाई बाय टू मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक
ratios are positive, all trigonometric ratios. तो यहां से क्या आएगा, 1 माइनस 4 बाय 5 इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, विच इंप्लाइज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 5. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 बाय 10. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 बाय रूट 10. लेकिन क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए. तो कौन सी वैल्यू चुन लेंगे, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1 बाय रूट 10. और हमको साइन थीटा ही अल्टीमेटली चाहिए था वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय रूट 10. मतलब साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4 बाय 5 की क्या वैल्यू है, 1 बाय रूट 10. दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे को साइन थीटा मिल गया था, तो थीटा की वैल्यू क्या आती, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 10. और वो वैल्यू हम यहां रख देते, तो क्या लिखते, साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्योंकि हाफ कॉस इनवर्स 4 बाय 5 थीटा था, और थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन क्या थी, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 10. तो यहां क्या लिख देते, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय रूट 10. अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है प्रोवाइडेड एक्स क्या हो, -1 से +1. तो 1 बाय रूट 10 -1 प्लस 1 के बीच में ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से भी, 1 बाय रूट 10. नाउ सेकेंड पार्ट लेते हैं, साइन ऑफ, द सेकेंड पार्ट इज साइन ऑफ 2 cos inverse -3/5. यही है शायद क्वेश्चन, यस. अब जैसे पिछले केस में किया था, पिछले केस में क्या था, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स जो भी था यहां, तो हमने इस पूरी चीज को थीटा ले लिया था. हम लोग इतने पोर्शन को भी थीटा ले सकते थे, तब हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाता, साइन थीटा बाय 2 हमें निकालना होता, वो भी हम कर सकते थे. लेकिन टू अवॉइड ये फ्रैक्शंस, हमने पूरे हाफ को ही साथ में ले लिया था. लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ के इसी को सिर्फ थीटा लेंगे. तो लेट कॉस इनवर्स माइनस 3/5 को थीटा मान लिया, ये कोई एंगल होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शंस तो एंगल ही रिटर्न करते हैं. अब थीटा कहाँ होना चाहिए, 0 से π होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स करेंगे. तो बेसिकली अब हमें निकालना क्या रह गया, क्योंकि हमने इसको थीटा मान लिया, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए. यहां से हमको क्या मिला, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे, तो कॉस थीटा इज -3/5. अब चेक करिए, थीटा हमारा 0 से π है, थीटा हमारा 0 से π है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 है, मतलब नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है. थीटा कहां से कहां तक है, 0 से 180, यानी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव है. तो दोनों चीजों को कंबाइन करें, इसका मतलब डेफिनेटली थीटा कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होती है, सेकंड में नेगेटिव होती है. तो यानी एक्चुअली थीटा कहां है, 90 से 180 है, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन को जब कंबाइन किया. नाउ ट्राइंगल रूल से अब हम क्या, अब जैसे साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, -3/5. साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, या तो आइडेंटिटी यूज कर लें, या ट्राइंगल रूल यूज कर लें. तो ट्राइंगल रूल से करेंगे, तो ये थीटा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 4. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, दैट इज 4/5. अब हमें साइन चेक करना है, तो थीटा कहाँ है हमारा, थीटा है 90 से 180 डिग्री. 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का साइन क्या होता है, पॉजिटिव. देखो साइन थीटा डेफिनेटली क्या होगा, 4/5. तो बस हम वैल्यूज प्लग इन कर दें, 2 × sin θ क्या है, 4/5, cos थीटा क्या है, -3/5. तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो गया, -24/25. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें इवेल्युएट करना है tan इनवर्स 2 cos (2 sin inverse ½. तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर से मूव करना शुरू करते हैं. नाउ इन दिस केस sin इनवर्स ½ तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. ½ कब मिलता है sin में, 30 डिग्री पे. तो स्ट्रेट अवे हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, या अगर प्रोसेस से चले तो लेट, इसको हमने थीटा माना, थीटा शुड लाई बिटवीन व्हाट, माइनस
पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, एंड हाफ मीन्स वॉट, साइन 30, तो स्ट्रेट अवे थीटा क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हमारी इस रेंज में आ भी रहा है, तो सबसे पहले एंड थीटा इज सिंपली वॉट पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, टैन इनवर्स 2 कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 6, ठीक है, आ गया टैन इनवर्स 2 से 3 टाइम्स हो गया, तो 2 कॉस पाई बाय 3, अब टैन इनवर्स कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो ये लिख दिया, हाफ से 2 चला गया, तो क्या आया टैन इनवर्स 1, और टैन इनवर्स 1 तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसकी आउटपुट क्या आ गया पाई बाय 4, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा पाई बाय 4। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इस बार हमको क्या दिया है, tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 3 by 5 minus tan inverse 8 by 19 की वैल्यू प्रूव करनी है कि pi by 4 है, तो obviously लेफ्ट साइड को जब हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, tan inverse 1, क्योंकि जब लेफ्ट साइड पे tan inverse 1 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है pi by 4, तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड पे हमारा क्या आना चाहिए tan inverse 1, इसको हम लोग हटा देते हैं, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब चेक करिए कि यहाँ पे दिख रहा है tan inverse x plus tan inverse y, यहाँ दिख रहा है tan inverse x minus tan inverse y, तो हम लोग कोई भी प्रोसेस पहले कर सकते हैं, तो लेट से हम लोग tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 3 by 5 को पहले करते हैं सॉल्व, तो हमें पता है कि अगर x y less than 1 है तो tan inverse x plus tan inverse y is simply tan inverse x plus y upon 1 minus xy, और x और y पॉजिटिव होने चाहिए, तो x और y हमारे क्या है, x is 3 by 4, y is 3 by 5, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, xy is 3 by 4 into 3 by 5, ये तो less than 1 है, तो यानी यही फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आंसर आएगा, tan inverse 3 by 4 plus 3 by 5 whole divided by 1 minus 3 by 4 into 3 by 5, क्या आएगा tan inverse 15 plus 12 upon 20, और यहाँ आएगा 20 minus 9 11 by 20, 20 से 20 cancel, तो क्या आएगा tan inverse 27 by 11। अब ये first part solve हुआ, tan inverse 27 by 11 minus tan inverse 8 by 19, अब tan inverse x minus tan inverse y में तो हमारा एक ही फॉर्मूला था, tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy, तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, tan inverse 27 by 11 minus 8 by 19 whole divided by 1 upon 27 by 11 into 8 by 19, इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या होगा tan inverse 27 into 19 क्या होगा, फाइव वन थ्री माइनस 11 into 8 is 88, तो 11 into 19 as it is छोड़ देते हैं, whole divided by 11 into 19 क्या होगा, 11 nines are 99, 11 ones are 11 and 20, 209 plus 27 into 8, 8 7 56, 8 2 16 and 5 21, so 216 whole divided by 11 into 19, 11 into 19 तो cancel हो गया, so what is left, tan inverse 513 में से 88 subtract करें, 13 minus 8 is 5, 10 minus 8 is 2, 425, and denominator में क्या है 209 plus 216 which is 425, नीचे भी क्या है 425, ये cancel होके 1 आ गया, and tan inverse 1 क्या होता है pi by 4 which is equal to our right hand side. Now let's take the next example,
suppose we have to prove that cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 is cot inverse 3. Now, ये थोड़ा सा सिंपल इस सेंस में कि सब cot inverse में दिया है, तो we can very well change it into tan inverse. अब हमें पता है कि cot inverse x is same as tan inverse 1 by x, अगर x पॉजिटिव है तो ये स्ट्रेट अवे क्या बन गया, tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 8 plus tan inverse 1 by 18 and equals to tan inverse 1 by 3. तो बेसिकली अब हमें ये प्रूफ करना है. अब ये तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला हमें पता है, tan inverse x plus y upon 1 minus xy provided x and y are positive and xy should be less than 1. तो यहाँ पे 1 by 7 into 1 by 8 करेंगे तो less than 1 है, therefore straight away यही फॉर्मूला लगेगा, tan inverse 1 by 7 plus 1 by 8 whole divided by 1 minus 1 by 7 into 1 by 8 plus tan inverse 1 by 18. We are solving the left hand side first. ये सॉल्व होके क्या आएगा, tan inverse 8 plus 7 upon 56 divided by 56 minus 1 upon 56. कैंसिल आउट हो गया tan inverse 1 by 18. ये सॉल्व होके क्या आया, tan inverse 15 upon 55 plus tan inverse 1 by 18. और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 3 जा 5 11 जा. अब चेक करिए, tan inverse 3 by 11 plus tan inverse 1 by 18, अगेन tan inverse x plus tan inverse y, और x y का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लेस देन 1, तो अगेन ये फॉर्मूला लग जाएगा. तो tan inverse 3 by 11 plus 1 by 18 upon 1 minus 3 by 11 into 1 by 18 क्या होगा, ये सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, tan inverse 18 3 जा 54 plus 11 18 into 11 whole divided by 18 into 11 is 198 minus 3 whole divided by 11 into 18. 11 into 18 cancel हो गया, तो tan inverse this is 65 upon 195. 65 highs होता है, 195 तो tan inverse 1 by 3 and which is what we had to prove. तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, देखो RHS equals to LHS हो गया.